नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है, किताब से आप उद्देश्य इस किताब का समझ सकते हैं कि इस किताब में क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसा नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ऐसे पति जो फर्जी 498A के मुकदमे से, DV एक्ट के मुकदमे से, 125 CRPC के मुकदमे से या किसी भी मैट्रिमोनियल मुकदमे को लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनके नॉलेज के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब को यदि आप पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी जुटा पाएंगे और मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। तो अब हम अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर आते हैं। तो देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें पत्नी जो होती है फर्जी 498A का केस लगाती है, कोर्ट के द्वारा उसे क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं, लेकिन ये जो मामला मैं लेकर आया हूं थोड़ा हट के है। ऐसा मामला शायद ही आपने सुना होगा और शायद जिस जज साहब ने इस मामले को क्वेश्चन किया होगा उनका भी सर चकरा गया होगा, क्योंकि आप ऐसा मामला पहली बार देखेंगे। सोचिए, पत्नी ने किस प्रकार से इस मामले में पति को फंसाया था, ये सोच के आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो जजमेंट है वो 498A के मुकदमे को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो मोहम्मद असदुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है उसकी पत्नी जो होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है, तो ऐसे में वो दूसरी शादी एक महिला के साथ करता है और जो दूसरी महिला होती है वो भी पहले से शादीशुदा होती है, वो विधवा होती है, उसकी दो बच्चियां होती हैं और एक बच्चा होता है। और मामले का जो पति होता है यहाँ पे वो एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। तो अब देखिए, ये खुद पुलिस वाले के ऊपर फर्जी मुकदमा देखिए कैसे दर्ज कराया गया है। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, उसके बाद जो पत्नी होती है अपने पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 325 में जाके FIR दर्ज करा देती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है। चार्जशीट में जब लग जाता है उसके बाद जो पत्नी होती है वो कोर्ट में जाके कह देती है कि हमारा कोई ऐसा विवाद नहीं है, मुझसे एक व्यक्ति ने सादे कागज पे सिग्नेचर करा लिया और उसी सिग्नेचर के ऊपर जो भी बातें थी लिख के उसने मेरे पति के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और ऐसे में ऐसा कोई मामला नहीं है, हम पति पत्नी ठीक से रहते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो बयान लेते हैं पत्नी का, उसमें पत्नी खुद कहती है कि कोई ऐसा विवाद नहीं है, हम पति पत्नी ठीक से रहते हैं, हमारे बीच कोई ऐसा विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद देखिए, सब कुछ सही हो जाता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं मामले को खत्म कर देते हैं, यहीं पे ये मामला खत्म हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी जो होती है दोबारा एक मामला दर्ज करा दी है और उस मामले को 156 CRPC के अंतर्गत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के पत्नी मामला दर्ज कराती है। उसके बाद कोर्ट के सामने जो होता है पत्नी कोई भी पुराने मामले के बारे में जिक्र नहीं करती है, कोई ऐसी चीज नहीं बताती है, सिर्फ पत्नी अपने एलिगेशन लगाती है, जो एलिगेशन पुराने होते हैं वो सब लगाती है यहाँ भी और नए भी जोड़ती है, लेकिन पुराने मामले के बारे में जिक्र नहीं करती है। इस वजह से जो कोर्ट होता है 156(3) CRPC को अलाउ करता है और पति के ऊपर दोबारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 34 में FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद देखिए, जब ये मामला दर्ज हो जाता है तो जो पति होता है मामले को क्वेश्चन कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। वहाँ पे पति की तरफ से सारी चीज़ों को बताया जाता है, कोर्ट के सामने तर्क रखा जाता है कि जज साहब, जो भी पत्नी ने इस मामले में एलिगेशंस लगाए हैं वो एलिगेशन इसके पहले भी वो लगा चुकी है और उस एलिगेशन को वो बोल चुकी है, झूठ है, गलत है, और मजिस्ट्रेट साहब ने खुद इसका स्टेटमेंट लिया था, उसमें इसने कहा कि बिना जोर दबाव के मैं बोल रही हूँ, कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरे पति को किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझसे फंसवा दिया, मुझसे कागज पे सिग्नेचर करा के उस पे गलत बातें लिख दी।
और ऐसे में मेरे पति निर्दोष है, फिर उन्हीं मामलों के आधार पे दोबारा जो पत्नी है वो केस दर्ज करा रही है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पत्नी ने पुराने वाले मामले का जिक्र ही नहीं किया है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि पहले हमारा ऐसा हो चुका है, समझौता हो चुका है, पत्नी ने इस फैक्ट को छुपाया है। तो यहाँ पे ये जो मामला है इसे रद्द किया जाए। जब जज साहब ये चीज़ें देखती हैं, मामले को समझती हैं, तो उसमें यही चीज़ होता है कि पत्नी तो पहली चीज़ पुराने मामले का जिक्र ही नहीं की होती है, कुछ बताई ही नहीं होती है नए मामले में, और दूसरी चीज़ ये कि पत्नी जो भी आरोप पहले मामले में लगाई होती है जिसपे समझौता हुआ होता है वही आरोप दोबारा भी लगा दी होती है। तो ऐसे में जज साहब कहते हैं कि एक बार समझौता हो चुका है, पत्नी बोल चुकी है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि उसने फैक्ट को छुपाया है, पहले मामला को उसने कुछ बताया ही नहीं है। तो ऐसे में ये देख के ही लग रहा है कि सरासर मामला गलत है और पति को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में जो जज साहब होते हैं मामले को क्वेश कर देती हैं, तो क्या आपने इसके पहले ऐसा कोई मामला देखा था या नहीं देखा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे, और शायद आपने ऐसा पहले कोई मामला सुना होगा कि पत्नी एक बार फंसाती है फिर दोबारा भी फंसा देती है उसी मामले के लिए, फैक्ट छुपा लेती है। तो मैंने तो ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं सुना था कि पत्नी इतनी बेवकूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे फंसाना है। सिर्फ उसके यही पता था कि मुझे अपने पति के ऊपर केस दर्ज कराना है, उसे फंसाना है, उसे पैसे लूटना है, बाकी उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कि उसे ये नहीं पता था कि हाँ कोर्ट भी होता है, कानून भी कुछ होता है, 482 CRPC भी होता है, उसे ये सब नहीं पता था। सिर्फ यही पता था कि थाने पे जाओ कंप्लेन करो, कोर्ट में जाओ कंप्लेन करो, केस दर्ज कराओ, पैसे लूटो। तो आशा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।